की कैमरा है आप वो बगल है चल बोल रहा है रोल कर रहा है हां रोल अबे गुड टू सी यू थैंक यू नानू की जान आपका दिन लोगों ने की मीडिया रिपोर्ट्स को देख के बहुत अच्छी बता रहे हैं रिस्पांस जो भी रिस्पांस अच्छा है ओह थैंक गॉड इसलिए मैं लेट आया हूँ कि मैं डर के आया हूँ कि अरे यार गाली ना दे मुझे सच्ची अच्छा आप ऐसे तो नहीं कह रहे हो ना मुझे आपको ढूंढ लूंगा मैं अगर ऐसे कह रहे हो रियली चलो दैट मेक्स मी फील इट्स पॉजिटिव साइन फॉर श्योर वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स yeah, of course. It any positive feedback is definitely a plus for a film to survive or do better. Okay, अभी क्या आपको लगता है क्या खास रहा होगा फिल्म में क्योंकि मैंने फिल्म तो देखी नहीं है जो लोगों को बांध के रखा होगा ये बहुत मुश्किल है यार मुझे आंसर करना हमारी कोशिश एज ए फिल्म मेकर तो ये रहती है ना कि उनको कहानी पसंद आए परफॉर्मेंसेस पसंद आए अगर नहीं भी पसंद है कुछ शायद कुछ चीज़ ट्रांसलेट होकर उनको कह दें कि चलो अच्छा कैमरा वर्क अच्छा था वो तो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि क्या एक चीज़ शायद होगी फिल्म मेकिंग जैसे मैंने कहा एक टीम एफर्ट होता है और होपफुली उनको सबका काम अच्छा लगा यू नो योर केमिस्ट्री ऑलवेज वर्क विद मनु एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम और वो कितना एक आर्टिस्ट का एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं आप यू नो आपको रिएक्शन भी बड़े अच्छे मिलते हैं जब इनवॉल्व शूटिंग और आपको पता होता है कौन कौन कैसे रिएक्ट करेगा चलो समथिंग अबाउट और हमारी वर्किंग रिलेशनशिप रही है काफ़ी देर से वही लकी वही के टाइम से उससे पहले इनफैक्ट 41 की लास्ट लोकल में भी उसने एक सीन किया था और फिर वही लकी और एक और फिल्म हमने की है दी ऑड्स जिसमें हमारा इंटरेक्शन है नहीं तो हाँ एक अच्छा रिलेशनशिप वर्किंग रिलेशनशिप बन गया मनु के साथ आई थिंक वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और बहुत ही टैलेंटेड राइटर भी है नाउ आई हैव गॉट फोर अदर फिल्म्स टू रिलीज दिस ईयर JL50, The Field, The Odds, and Idu Vedalam Solam Kattai. Thank you so much. Thank you. हमारी नानू की जानू जो फिल्म है वो उसका प्रीमियर का है या स्क्रीनिंग का है स्क्रीनिंग का है सब परिवार वालों ने सब ऑफिस वालों ने पूरे यूनिट ने जो मेहनत की होती है उनको एक बार फिल्म दिखानी चाहिए तो वो एक स्क्रीनिंग है कल हमारी फिल्म रिलीज हो रही है और 20 अप्रैल है कल जिसमें नानू की जानू आ रही है और हम लोगों ने मनु भाई ने वो फिल्म लिखी है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी है उसमें मैंने कोशिश की है कि अच्छे से उसे बनाऊं बहुत अच्छी फिल्म बनाई है मैंने देख ली है मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छी फिल्म बनाई है बस आपको अच्छी आपके जरिए जिन लोगों तक ये पहुंचे उन्हें प्लीज़ कल से आप फिल्म देखनी शुरू कर दीजिए और अपने लोगों को बताते रहिए क्योंकि ये अच्छी फिल्म है आबे देओल है मैं एज एन एक्टर भी हूं और फराज ने डायरेक्ट किया है हम लोगों ने पहले ओए लकी ओए जो फिल्म थी वो साथ में की थी बिल्कुल और इसलिए हम एक पावर एक एनर्जी दोबारा अच्छी वाली लेकर आए वेरी गुड या बिकॉज क्रिटिक्स दे प्ले अ ब्रिज बिटवीन आवर ऑडियंस एंड यू नो So people listen to them, people read about the articles or the reviews and all. So I think it matters a lot when we get a positive response. Yeah, we are happy. Yeah, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि of course critics जो लिखते हैं फिल्म के बारे में उसका काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं और उसका असर भी होता है हालांकि पब्लिक जो है वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है जो कल हम पब्लिक के सामने अपनी फिल्म को पेश कर रहे हैं वो सबसे बड़ा टेस्ट है लेकिन हाँ जो मीडिया थी प्रेस ने अगर फिल्म देखी और पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मुझे बहुत खुशी उसमें महसूस हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे उसी तरह पॉजिटिव रिस्पांस देगी
जैसा कि मीडिया ने या प्रेस ने दिया है। मनु, अलग तरह की स्टार कास्ट है, यू ऑलरेडी वर्क है ना अभय के साथ, आप काम कर चुके हैं, पत्र लेखा को लेना जिन्होंने एक अलग तरह का सिनेमा किया है और बिल्कुल आउट एंड आउट कमर्शियल एंगल से लगती है जो मैं मुझे लगती है इस अलग Yeah, she's very ajeebo-gareeb in this film also. She's playing a Bhootanese character, yaar, which is a very challenging thing, if I'm not wrong. मतलब कौन करना चाहता है यार, तो उसके अंदर का जो चैलेंज है, जो इसका प्रोसेस है एक्टिंग का, एक्टिंग को लेकर, वो इसमें भी उभर के आएगा और एक हल्की फुल्की डरावनी, हंसाने वाली और समझाने वाली फिल्म में एक मायने रखता है उसका एक कैरेक्टर जो है, और उसका अपना एक वजूद है इस फिल्म के अंदर जो आई थिंक पीपल विल गोना एंजॉय इट लाइक दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मनु, क्या आगे भी लिखेंगे आप? द रिस्पांस इज वेरी पॉजिटिव, माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ, लेकिन यकीन मानिए लोगों को अच्छी लग रही है, कमर्शियली कामयाब हो जाने पे क्या चांसेस है और फिल्में लिखेंगे? मैं और लिख ही रहा हूँ, मैं तो आई एम अ राइटर फर्स्ट देन एंड देन एन एक्टर। आई एंजॉय, आई थिंक आई एम अ राइटर एंड आई हैव अ प्रोसेस ऑफ एन एक्टर, I use that actor instinct also, and while acting also I use that power of a writer, so I enjoy both the things. Yeah. Paras, aakhri, what Ji. message do you want to give to the audience, why they come and be a part of नानू की जानू? बिल्कुल, इसमें काफ़ी सारी USP मैं कहूँगा फिल्म के अंदर हैं। सबसे पहली तो ये है कि अभय ने इस फिल्म में बड़ा कमाल का डांस किया है, जो आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। इस तरीके का रोल और इस तरीके का परफॉर्मेंस जो अभय का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे ऊपर एक बात मैं बोलूँगा, जो कहानी है फिल्म की बहुत ही खूबसूरत है और उसको बड़े ही खूबसूरती के साथ मनु भाई ने जो पिरोया है, जिस ह्यूमर के साथ हॉरर को प्रेजेंट किया है और साथ में एक मैसेज भी देने की कोशिश की है हम लोगों ने, तो मुझे लगता है कि फिल्म का ट्रीटमेंट ऐसा है कि बहुत रियल लगेगी आपको। सुंदर नैरेटिव है, सुंदर नैरेटिव के वो रियल लगेगी। इट्स अ सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट, भूत की फिल्म है, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल नए तरीके से, नए अंदाज में शायद लोगों को पसंद आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I'm not nervous because I watched the film. It's a very sweet, endearing film, and I'm happy that now it's out there. I hope the janta likes it and gives it lots of love. What are the most challenging part of the film? To play a bhootni, yaar. और एक एक्ट्रेस को कितना, मतलब कितने चांसेस मिलते हैं टू प्ले अ गोस गोस, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। वेल नो, इट्स नॉट अ न्यू स्टार्ट, मैं इसको, आई जस्ट थॉट दैट इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, बहुत फनी है, और इससे पहले मैंने सिर्फ ड्रामा ही किया था, तो इट वॉज एन opportunity that I would do something different to be in a horror comedy. Commercial zone hai, comedy hai, to I am excited. I'm crossing my fingers. Okay, your experience with Abhay? Very nice. He's so dedicated, he's so focused, and what I got to learn from him is he loves his work. You know, and that's why he's so professional. Is there a possibility to see
मसाला कॉमेडी कमर्शियल मसाला बॉलीवुड टाइप I don't know. It depends on, you know, if people accept me in this form, then why not? Of course, I'm an actor. I want to do everything. Thank you so much. Thank you so much.